ऑल इंडिया मजलिस ए इंतहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जिला अध्यक्ष अन्य सकलैनी अंसारी के नेतृत्व में चौकी चौराहे स्थित शेठ दामोदर स्वरूप पार्क में एकत्रित होकर जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की अवैध धर्मांतरण के मामले में उत्तर प्रदेश ATS द्वारा की गई गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया तथा एक बड़े जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन दिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अन्य सकलैनी अंसारी के साथ महानगर अध्यक्ष सैयद गुलफाम मिया, जिला महासचिव मेजर रिहान अंसारी, फरियाद मेवाती, रेहान कुरैशी, फरमान खालिद आदि उपस्थित रहे। अन्य सकलैनी अंसारी, जिला अध्यक्ष AIM बरेली। मामला ये है कि मुजफ्फरनगर के वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ATS ने बिला वजह उठा लिया है। उनकी राय के लिए हम आप महामहिम द्वारा ज्ञापन सौंपना चाहें। क्या मांग कर रहे हैं आप? उनकी रिहाई होना चाहिए। कहाँ का मामला है ये? मुजफ्फरनगर का मामला, मेरठ का मामला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी इन्हीं मांगों को लेकर कि मौलाना जो कलीम सिद्दीकी साहब हैं, इनको जो गिरफ्तार किया गया है, ये बिल्कुल निर्दोष हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार अल्पसंख्यक मुस्लिमों का उत्पीड़न करती चली जा रही है बिना किसी कारण से। भाई आज आपने एक कानून बनाया, आज कानून फोर्स में आया, उससे पहले उन्होंने क्या किया? आप पहले की घटनाओं को लेकर इस तरीके से बेगुनाहों को जेल में, मुसलमानों को डाला जा रहा है, उसके विरोध में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये ज्ञापन दे रही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए, अन्यथा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत से कलेक्ट्रेटों का घेराव करने का, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करने का काम करेगी और इसके लिए जिम्मेवार सरकार खुद होगी, क्योंकि बेगुनाह ये उलमा हैं भाई, ये मौलाना लोग हैं, इनका काम किसी को बलगलाना और ये बहकाना नहीं है। जो इस तरीके के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के और एक धर्म विशेष के खिलाफ प्रचार करते हुए सरकार द्वारा ये जो गिरफ्तारी की गई है पूर्ण तरह असंवैधानिक है और राष्ट्र विरोधी है। हम इसके लिए तत्काल मांग करते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।